क्या आपका स्मार्टफोन भी गर्म हो जाता है? गर्मी में इस तरह की समस्या बढ़ जाती है। आपके फोन का टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। गर्मी में ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। इस दिक्कत को काफी आसानी से दूर किया जा सकता है। अगर आपका फोन भी कुछ ही देर में यूज में काफी ज्यादा गर्म हो जाता है तो आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे जिससे आप इसे नॉर्मल रख सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का थोड़ा गर्म होना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन ज्यादा गर्म होने की स्थिति में आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे। ब्राइटनेस पर रखें नजर। फोन के टेम्परेचर को कम रखने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्क्रीन ब्राइटनेस को ऑप्टिमाइज करना होगा। आजकल कई स्मार्टफोन ज्यादा ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आते हैं। जब जरूरत नहीं हो तो आपको इसे कम रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे भी फोन गर्म होता है और बैटरी जल्द खत्म होती है। गैर जरूरी एप्स को करें बंद या अनइंस्टॉल। अगर फोन में बहुत ज्यादा एप्स भी मौजूद हैं तो आपका फोन गर्म हो सकता है, क्योंकि कई एप्स बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं और प्रोसेसर का यूज होता रहता है। इस वजह से फोन के बैकग्राउंड एप्स को क्लीन करते रहें और गैर जरूरी एप्स को फोन से डिलीट कर दें। कम करें गेमिंग। आजकल कई लोग फोन को गेम खेलने के लिए भी यूज करते हैं। मिड रेंज और लो बजट वाले स्मार्टफोन्स में हैवी गेम खेलने से फोन गर्म होने लगता है। इससे बचने के लिए आपको घंटों हैवी गेम खेलने से बचना चाहिए। इसके अलावा सीधे सनलाइट में फोन को यूज करने से बचें। चार्जिंग के समय रखें ख्याल। फोन को गलत तरीके से चार्ज करने पर भी ये गर्म हो जाता है। अगर आपका फोन भी चार्जिंग के समय काफी गर्म हो जाता है तो आपको हाई क्वालिटी चार्जर यूज करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपका फोन लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट नहीं है तो इसे अपडेट कर लें।